हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्रेट शेफ किचन। तो हमारी आज की डिश है मसाला इडली। और ये देखिए, हम लोग ये ग्रेवी के साथ बनाने वाले हैं। और देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी सी कोट हुई है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। इस मसाला इडली को बनाने के लिए इसमें दो स्टेप्स हैं। एक, सबसे पहले हमें इडली बनानी होगी और दूसरा ग्रेवी। सबसे पहले हम इडली बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप उड़द की दाल ली थी। इसको मैंने पानी में 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर लिया था, और फिर इसको मैंने एक फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लिया था, और इसको मैंने फिर 3 से 4 घंटे के लिए और रख लिया था, जिससे इसका खमीरा उड़ जाए। तो ये मेरा रेडी है। अब इसमें हम लोग 1 कप सूजी डालेंगे और 1 कप कर्ड डालेंगे। कर्ड आप कोई से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चला लेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम लोग 1 टीस्पून नमक डालेंगे, इसको अच्छे से चला लेंगे। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक होनी चाहिए। अब इसे हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, इसको थोड़ा सा हम चला लेते हैं एक बार। और चलिए इसकी इडली बनाते हैं। पर इससे पहले एक स्टेप है, इसमें हम लोग 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का डालेंगे। और आप अगर बेकिंग सोडा अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो इडली कड़वी कड़वी लगेगी, तो बस 1 टीस्पून जितना ही डालिए। इसको अच्छे से चला लीजिए। चलिए आइए इसकी इडली बनाते हैं। इसे हम 15 से 20 मिनट्स के लिए इडली मेकर में स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम स्टेप 2 कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन चढ़ाई है, उसमें 7 से 8 रेड चिलीज डाली, और इसको हमें लो फ्लेम पे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। तो अब 2 टेबल स्पून अब इसमें हम सेसमे सीड्स डालेंगे यानी तिल, और इसे भी हम लोगों को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, मतलब जब तक ये थोड़े से लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो हमारे सेसमे सीड्स लाइट ब्राउन हो गए हैं, सब निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो अब एक पैन लीजिए, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालिए। अब इसमें हम लोग चने की दाल और उड़द की दाल को रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए उड़द की दाल है 1/4 कप और चने की दाल है, ऐसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो ये देखिए हमारी ये रोस्ट हो गई है। अब इसको ठंडा कर लेंगे हम लोग। 15 मिनट हो गए हैं, इनको स्टीम हो गया है, खोल लेते हैं। और देखिए इतनी अच्छे से इडली पकी है, एकदम अच्छे से पकी है। इसको एक नाइफ से ऐसे या नाइफ फोर्क इससे भी कर लीजिए। और ये देखिए नहीं आया, मतलब ये अच्छे से पक गई है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर डीबॉइल कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे चने की दाल, उड़द की दाल, सेसमे सीड और थोड़ी सी रेड चिली ली थी, इनको एकदम अच्छे से ड्राई हो गई। और ये देखिए मैं रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। अब इसको हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए पाउडर इसका बना लिया, देखिए एकदम फाइन पाउडर है ये। इसको हम साइड में एक कढ़ाई लीजिए, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालिए, और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड डालेंगे। इसको फूटने के रखेंगे। जो हमारे मस्टर्ड सीड है फूट चुके हैं, और इसमें हम लोग 1 टेबल स्पून करी पत्ता डालेंगे। इसे हम लोग कुछ डालेंगे। अब इसमें हम लोग 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च का डालेंगे। अब इसमें हम लोग 2 मीडियम साइज फाइनली चॉप प्याज डालेंगे, और इसे हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना होगा। तो देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर डालेंगे यानी हल्दी पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून का यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी बीन्स डालेंगे। इसे हम अच्छे तरीके से चला लेंगे। अब इसे हम लोग ढक देंगे, 5 मिनट में लो फ्लेम पे कुक करेंगे।
हम लीड को खोल देंगे, थोड़ा सा इसे चला लेंगे। अब इसमें हम लोग दो मीडियम साइज फाइनली चॉप टमाटर डालेंगे। इसे हम लोगों को एक से दो मिनट के लिए और कुक करना होगा लो फ्लेम पर। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए। अब इसमें हम लोग अपना ये मसाला डालेंगे जो हमने तैयार करा था अपना मसाला, ये हम 3 टेबल स्पून डालेंगे। थोड़ा सा चला लेंगे और अब इसमें हम लोग 2/3 कप पानी डालेंगे। थोड़ा सा चला लेंगे अच्छे से। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। अब हमें इसमें 1/4 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबल स्पून टमाटर केचप का डालेंगे। इसे हम अच्छे से चला लेंगे और देखिए सोया सॉस से इसका थोड़ा सा और डार्क हो गया कलर। अब हम लोग इसमें अपनी इडलियाँ डाल देंगे। अब इसे हम लोग 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। हमारी मसाला इडली सर्विंग के लिए रेडी हो गई है। हमारी मसाला इडली बन के तैयार हो गई है और प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी है। एंड एंजॉय।